हम बस बच्चों सामान वाल लेके बच्चों को लेके निकल रहे और देखते देखते 10-15 मिनट में पूरा चुके चल रहे। पटवारी ने कहा पुरसे भी आकर बोला यहाँ से ये जगह खाली कर दो, काल भी बोला ये जगह खाली कर दो। हजार 12 से आया है, जब से आया तब से इधर ही रहे हैं। पहले जो जगह जल गया था वहीं से यही वहाँ जल गया, वहीं से यही आ गया। 3 साल हो गया, 3 साल के बाद इसमें लगा दिया। हम उनको समझाने की कोशिश कई बार किया कि हम यहाँ पे 10 साल भी रहे तो हम कब्जा नहीं कर सकते, हम शरणार्थी है, हम बस जब तक हमारे मुल्क में अमन नहीं हो जाता तब तक के लिए हम यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद हम अपने आप चले जाएंगे। कैसे लगे हम तो नहीं देखा है ना, रात को सारा लोग सो गए, 12 बजे लग गया, फिर एक खाली घर था वो खाली घर में लाके तो वहाँ गुजा नहीं पाया, फिर बढ़ते बढ़ते आ रहे हम लोग कैसे निकल के आ गए बच्चों को लेके। क्या लगता वो तो पता नहीं, किसी ने या लगा दिया या तो खुद लग गया, नहीं देख हम तो कुछ नहीं करती। मेरा एक बेटा है 19 साल वाला, वो काम करती है मजबूरी की काम। 2012 से आया है, जब से आया तब से इधर ही रहे हैं। पहले जो जगह जल गया था वहीं से यही वहाँ जल गया, वहीं से यही आ गया। 3 साल हो गया, 3 साल के बाद इसमें लगा दी। आग कैसे लगी नहीं मालूम, हम सो रहे थे 12 बजे 12:15। 2012 से हम यहाँ रह रहे थे, उसके बाद वहाँ 17 में भी एक बार आग लग गया था उधर, वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे आए थे। ये मैं रिक्शा चलाता हूँ, ऊपर वाला जानता है किस पे शक करके क्या फायदा बिना देखे, हमने देखा नहीं। आपको कुछ पता नहीं चला अब तक कि कहां से और कैसे आग चली? कुछ भी नहीं मालूम चला हम लोग को, अचानक से 5 मिनट के अंदर आग चारों तरफ फैल गया। मंजर बस भाग दौड़, हर कोई अपना बच्चा लेके भाग रहा है। मेरा 3 बच्चा है, बीवी लेके इधर आ गई, फिर मैं रिक्शा लेके निकाल के आ गया, कपड़ा भी नहीं ले पाया, जो पहना है यही लेके, एक कपड़ा भी नहीं ले पाया, खाली मैंने अपना रिक्शा निकाला क्योंकि ये तो रोजी रोटी है मेरा। हम लोग तो यहाँ कई दिन से सुन रहे हैं न्यूज़ वगैरह में, हम लोग यहाँ के लिए बहुत जैसा बन गया, यहाँ के न्यूज़ में हर कोई हमारे लिए, यहाँ का सरकार भी हमारे लिए बोलता है कि इन लोग को भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और यहाँ का पटवारी वगैरह भी कभी कभी आके हम लोग को बोलता है ये तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो कब्जा करके। ये हम उनको समझाने की कोशिश कई बार किया कि हम यहाँ पे 10 साल भी रहे तो हम कब्जा नहीं कर सकते, हम शरणार्थी है, हम बस जब तक हमारे मुल्क में अमन नहीं हो जाता तब तक के लिए हम यहाँ रह रहे, उसके बाद हम अपने आप चले जाएँगे। हमें तो यहाँ दिल्ली पुलिस ने खुद बिठाया था कि जब आग लगने के बाद जब तक तुम्हारा कहीं दूसरे जगह में सेटअप वो आपका मतलब शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक यहाँ रहने दिया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा था कि हम ये कब्जा कर रहे थे। अब शायद उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा सारा मेहनत सब कुछ जल के राख हो गया, हमारा बच्चे रोड पे आ गया, शायद उनको खुशी महसूस हो रहा है। अब लगता भी है जानबूझ के किया है ऐसा भी लगता है, और देखा नहीं कह भी नहीं सकते भाई, बिना देखे वाले बात बोले तो अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमने देखा नहीं आंखों से। बाकी जो जिसने अगर किया होगा तो ऊपर वाला उनको नहीं छोड़ने वाला, ये एक रोहिंग्या मुस्लिम हम लोगों का गजब है, उनका दिल से जो हाय निकलेगा ना कभी वो सुखी नहीं रह सकता, कभी ना कभी लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा। अब कैसे हो रात का मामला है, अब खुद अपनी आँखों से देखा ही नहीं है, अब बता भी नहीं सकता लगाया गया लग गया, अब कह नहीं सकते। आग जलते हुए देखा हमने, हम बस बच्चों सामान वाल लेके बच्चों को लेके निकल रहे और देखते देखते 10-15 मिनट में पूरा चुके चल रहे। सरकार से बस हम यही कहेंगे, इससे पहले भी हमारे साथ ये हादसा हो चुका है,
अब उस टाइम हम हमें पता नहीं है कि लगाया गया लगा किसी ने लगाया या खुद लगी है, किसी को पता नहीं है। लेकिन इस बार भी यही हुआ, रात को 12:15 बजे करीब हम सो रहे थे, एक खाली चुग्गी था बीच में, चुग्गी के बीच वहाँ पे कोई उसमें कोई रहते नहीं, एक विवाह औरत था, लेकिन वो उसके बच्चे उच्चों के मुश्किल हो रहा था गुजारा करने के लिए। UN की तरफ से उनको कुछ हेल्प मिला, वो रूम का पैसे भी दे रहे, वो शाहीनबाग शिफ्ट हो गया था, लेकिन उनका जो सामान वामान है कॉस्मेटिक का जो दुकान है उसी झुग्गी के अंदर मौजूद था, लेकिन उसमें कोई फैमिली मेंबर नहीं थे, खाली सामान थे उनका। लेकिन आग उसी झुग्गी से लगी है, और जैसे उस झुग्गी से आग लगी है बराबर में जो घर है उनको जो गर्मी का जो महसूस हुआ, तो निकल के देख रहा तो यहाँ गर्मी कैसे है, वो बाहर निकल के देख रहा आग जल रही थी, तो उन्होंने यहाँ आवाज़ दिया सबको कि आग जल गई, झुग्गी में आग लग गई। तो जैसे सबको पता है, सबने झुग्गी में भाग दौड़ गया, आवाज़ पहुँचाया, सब लोग बच्चे बच्चों को लेके निकल गए, सब कुछ 10-15 मिनट में देखते देखते ही बस राख बन गई। मजदूरी करते हैं हम यहाँ पर, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी का बेलदारी का काम करता है, कोई कबाड़ी का भिन्न जाता है, बस यही। अब आगे क्या होगा अल्लाह के हुक्म से, जो भी होगा अल्लाह जो चाहे बेशक वो। पटवारी ने कहा पुरसे भी आकर बोला यहाँ से जाइए, जगह खाली कर दो, काल भी बोला ये जगह खाली कर दो, फिर भी हम ऐसे नहीं लिए, ऐसा बोल रहे होंगे रूठ बोल रहे, ऐसा सुन रहा सुनकर हम लोग ऐसे छोड़ दिया। फिर रात 4-11 बाद पता नहीं किसी ने आग लगा दिया, उस दूसरी तरफ से आग जल कर आ रहे, हम लोग जान बचा के बात करे कर आगे। कैसे लगेगी, ऐसे जल गया था सारा सामान वामान जल गया, कैसे लगेगा, हमारा हिम्मत तो हार गया। क्या काम करते हो? हम नहीं कुछ नहीं करता, घर पे बच्चा संभालती है, तो फिर ऐसे काम कर घर पे काम कर अपना कर। अब क्या करेंगी, अभी क्या करेंगे पता है।